थैंक गॉड, हाँ थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। मैं बहुत घबरा गया था, पर तुम हो कहाँ? अरे कब से तुम्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम नहीं मिल रही हो। तुम्हें पता मैं कितना डर गया था, मैं मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ। जीजू आप अपने आप को संभालिए, दी की फोन की बैटरी खत्म हो रही होगी। भाई तू पूछ रहा भाभी को कहाँ है, हमें कुछ बता सकती है क्या? सॉरी सोच, हाँ पूर्वी सॉरी, तुम कहाँ हो? हाँ तुमने कहा था तुम किसी कंटेनर में हो। हम यहाँ एक जगह आए हैं जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स हैं, हमने बहुत सारे कंटेनर चेक किए पर तुम यहाँ नहीं हो। तुम्हें पक्का पता तुम किसी कंटेनर में ही हो? अरे मैं कंटेनर में ही हूँ। तुम इस कंटेनर के बारे में कुछ बता सकती हो कि ये कैसा कंटेनर है, किस टाइप का है? पूर्वी को लग रहा होगा कि वो किसी कंटेनर के अंदर है, लेकिन असल में वो कंटेनर के अंदर नहीं, ताबूत के अंदर है। अरे लकड़ी का कंटेनर है। लकड़ी? बहुत अंधेरा भी है इसमें, अब आप भी नहीं आ सके। अरे मुझे कुछ आवाज आ रही है, अब बाहर से कुछ आवाज जैसी आ रही है। आवाज? और मैंने उस ताबूत को क्रिश्चियन कब्रिस्तान में गाड़ा है, तो पूर्वी का समय आ गया है। बड़ी बहादुर है वो लड़की, और उसे मौत भी खतरनाक मिलनी चाहिए, ताबूत में जिंदा दफनाने वाली मौत। अरे कोई कोई तो है, आवाज आ रही जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो, प्रेयर कर रहा है वो इंग्लिश में, जैसे बाइबल बाइबल रीड कर रहे। बाइबल से प्रार्थना कर रहा हूँ? हाँ। ऐसी प्रेयर तो क्रिश्चियन लोग करते हैं। क्रिश्चियन? हाँ, और क्रिश्चियन लोग ये प्रेयर सिर्फ दो ही केसेस में करते हैं, या तो वो चर्च में हो या तो फिर वो सिमेट्री, मतलब कब्रिस्तान, क्रिश्चियन सिमेट्री। इसका मतलब पूर्वी कॉफिन में किसी ताबूत में बंद है।